ये कह रहे हैं कि मैंने बीए में पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया है और इंग्लिश लिटरेचर एमए पॉलिटिकल साइंस है, तो ये चाहते हैं क्या है कि मास्टर कैडर और लेक्चरशिप दोनों के लिए एलिजिबल हो जाओ। ऐसा नहीं होगा, आपको पहले एक के लिए एलिजिबल होना होगा। इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, पंजाब गवर्नमेंट में आप एलिजिबल हो जाओगे। ये दोनों सब्जेक्ट पढ़े हैं, अगर आप एसएसटी लेते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट में आप एलिजिबल नहीं हो क्योंकि आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी नहीं पढ़ा एसएसटी के लिए। अगर पंजाब में ही रहना चाहते हो, पंजाब पीएसटेट करके यहाँ एलिजिबल होना चाहते हो, तो आपको एसएसटी ले लेना चाहिए। और साथ में ये हो गया आपका मेजर, है ना, MAJOR मेजर, और माइनर आपका हो गया इंग्लिश, आपको नहीं छोड़ना चाहिए ये। दूसरा, अगर आप पीजीटी के लिए पॉलिटिकल साइंस आपने की हुई है, ये रहा एमए पॉलिटिकल साइंस, तो आप बाद में एडिशनल पेपर दीजिए उसके बीएड के, बीएड करने के बाद किसके, पॉडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के, फिर आप एसएसटी के लिए टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए पॉलिटिकल साइंस, और इंग्लिश के लिए टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। थैंक यू।